अपने इंटरनेट और डेटा सेंटर के बारे में कई बार सुना होगा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ मजेदार इंटरनेट और डेटा सेंटर से जुड़े हुए फैक्ट्स। अगर आप इन मजेदार फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान ज्योति, आप देख रहे हैं निशान बात। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, क्या आप इंटरनेट और डेटा सेंटर से जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में जानते हैं? आज हम इन्हीं फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ये फैक्ट्स क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले फैक्ट्स यानी डेटा सेंटर के बारे में। जो डेटा सेंटर है उसका सबसे पहला फैक्ट है, चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर आंधी हो, तूफान हो या लाइट गई हो, जो डेटा सेंटर है वो कभी भी बंद नहीं होते, 24 घंटे काम करते रहते हैं, आपको डेटा सर्व करते रहते हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे बाहर कैसा भी मौसम हो, आपको डेटा हमेशा सर्व करते रहते हैं। ये है इसका पहला फैक्ट, डेटा सेंटर कभी भी बंद नहीं होते, यानी कि डेटा सेंटर नेवर डाउन। वो अगला फैक्ट नहीं रहता है, जो डेटा सेंटर आपका जो डेटा स्टोर है, यानी कि अगर आपने कभी फेसबुक पर कोई फोटो अपलोड की थी या फिर यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड किया था, चाहे आपने उसे कितने साल पहले अपलोड किया हो, वो फोटो आपको आज भी वहीं पर मिलेगी जहां आपने अपलोड किया था। क्योंकि इसके पास क्या डिलीट नहीं होते, आप सोच रहे हो कि इनके पास ऐसी हार्ड डिस्क है जो कभी खराब नहीं होती, नहीं, इनकी हार्ड डिस्क खराब होती है, मगर जो आपका डेटा या तो रिकवर कर लिया जाता है या फिर उनकी मल्टीपल बैकअप लिए जाते हैं, जिसके कारण आपका जो डेटा है वो कभी लॉस नहीं होता। अगर आपने कभी किसी कोई वीडियो अपलोड किया है या फिर कोई फोटो अपलोड किया है तो वो कभी भी आपका वहाँ से डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये डेटा सेंटर्स की जिम्मेवारी है कि वो आपके डेटा की सिक्योरिटी करें, साथ ही साथ उनके बैकअप रखें ताकि वो कभी डिलीट ना हो। और अगला जो फैक्ट निकल आता है कि जितने भी डेटा सेंटर हैं वो सिर्फ केबल्स, जो समुद्र केबल डाली गई है, यानी कि सी सबमरीन्स केबल्स और सेटेलाइट्स, इनके द्वारा ही सर्व होता है। इसके अलावा भी देखो दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिसके जरिए आपको फास्ट इंटरनेट सर्व किया जा सके, ये भी इसका एक फैक्ट है। और इसका जो अगला फैक्ट है वो निकल आता है, इंटरनेट आप तक 3 पार्ट में पहुँचता है, यानी कि आपसे के पास इंटरनेट पहुँचने पहले वो इंटरनेट 3 कंपनियों से होकर गुजरता है, यानी कि Tier 1, Tier 2 और Tier 3 कंपनी। ये 3 कंपनी मिलकर आपके पास इंटरनेट पहुंचाती है, यानी कि Tier 1 कंपनी वो जिसने समुद्र में केबल्स डाली है, और Tier 2 के कंपनी वो जिसने आपको इंटरनेट, यानी कि आपके देश तक जो सी वो सबमरीन केबल पहुंच गई, आगे आपकी कंट्री तक जो उस इंटरनेट को पहुंचाता है वो Tier 2, और Tier 3 वो जो आपका लोकल ISP यानी कि जिससे आप इंटरनेट लेते हैं वो Tier 3 हो गया। और ये इससे अगला फैक्ट नहीं आता है, इंटरनेट है वो जितना भी इंटरनेट का डेटा है यानी कि वो सारा मैनेज किया जाता है ICANN कंपनी द्वारा। ICANN कंपनी का काम है जितने भी दुनिया में IP एड्रेस है और डोमेन नेम्स है उन्हें मैनेज करना। आप सोच रहे हो डोमेन नेम और IP एड्रेस क्या है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। जो डोमेन नेम है इसका मतलब है कि आपने कोई वेबसाइट खोली उसका जो नंबर होता है, यानी कि आपकी मान लो गूगल कंपनी खोली, आपने गूगल का वेबसाइट खोला, उस वेबसाइट में जो ऊपर लिखा था google.com, क्या सच में वहाँ पर google.com नहीं होता है? वहाँ पर इसके सिर्फ नंबर होते हैं, यानी कि गूगल का जो IP एड्रेस है वो वहाँ पर लिखा हुआ होता है। जो ICANN कंपनी है इसका काम है कि उस जो नंबर्स है वो कोई आम आदमी इंसान नहीं याद नहीं रह सकता, इसलिए उसका काम है कि उसे किसी नाम में कन्वर्ट किया जाए। इसलिए जो गूगल का IP है, मान लो गूगल IP है 192.168.14.1, ये गूगल का IP है, इसे कन्वर्ट करती है ICANN कंपनी नेम में, यानी कि www.google.com, इस IP एड्रेस को इस नाम में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अगर आप ये नाम सर्च मारेंगे तो उनके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी कि आप ये IP एड्रेस खोलना चाहते हैं। ये है ICANN कंपनी का काम, ये भी एक फैक्ट है। और अगली जो निकल जाती है वो है ICANN कंपनी पूरी दुनिया का डेटा हैंडल करती है। अगर ICANN कंपनी बंद अगर किसी दिन काम ना करे तो आप कोई भी वेबसाइट नहीं खोल पाओगे। मान लो आपके पास कोई वेबसाइट है, मान लो आपका फेसबुक है, आप अगर उसे खोलते हैं तो आपका अलग IP एड्रेस है, हर किसी का अपना अपना अलग IP एड्रेस है। आप खोलते हैं अपना फेसबुक और खोलते हैं किसी दूसरे का, ये अगर ICANN कंपनी अगर इसे मैनेज ना करे तो ये ऐसा हो सकता है, मगर ICANN कंपनी 24 घंटे काम करती है। इसमें साल में इस कंपनी में जो इसका डेटाबेस है उसके अंदर 7 लोग हैं जिनके पास इसकी डेटाबेस की की है, यानी कि अगर उनमें से अगर कोई भी अगर उसकी से अगर उसे खोल कर उसे आपका डेटा खराब कर सकता है, इसलिए इस कंपनी में साल में 4 सेरेमनी होती है, यानी कि हर 3 महीने में 1 सेरेमनी होती है, जिसमें जितनी भी की है उन्हें आपस में एक्सचेंज किया जाता है ताकि डेटा आपको सिक्योर रखा जा सके। और जो ICANN कंपनी है इसमें हाई लेवल सिक्योरिटी होती है ताकि कोई भी आम आदमी इसके अंदर एंटर ना कर सके। और इसका जो
अगला फैक्ट ये आता है कि इसमें जो 7 लोग हैं उनके पास ये इंटरनेट की की होती है, उसी के कारण ये डोमेन नेम मैनेज होते हैं। अगर डोमेन नेम ना हो तो आप कोई भी वेबसाइट आसानी से नहीं खोल पाओगे। और इसमें जो अगला फैक्ट ये आता है, आप सोच रहे होंगे कि ये 7 लोग हैं, अगर इनमें से किसी पास की खो गई या फिर कोई मर गया है या फिर कुछ और हो गया, तो ये की 7 लोगों को दी गई है। इनमें से अगर किसी को कुछ हो जाए तो लास्ट 1 एक इंसान को बचेगा जो उसे डेटा सेंटर को खोलकर उसे मैनेज कर सकता है। मगर आप सोच रहे होंगे कि अगर इन 7 को ही कुछ हो जाए या फिर 7 की खो जाए तो भी आपके डेटा क्या होगा। इसके लिए भी इसमें एक रिकवरी का ऑप्शन है, यानी कि इसमें जो 7 लोग और ऐसे हैं जो वैसे मैन नहीं है मगर इन 7 लोगों की ओर दी गई है जिन्हें रिकवरी की तरह काम में लिया जा सकता है। इस तरह आइकन कम्युनिटी में कुल मिलाकर 14 लोग हैं जो इंटरनेट को मैनेज करते हैं। ये सारे फैक्ट्स जो इंटरनेट के बारे में आपको जानना जरूरी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता चल चुका होगा कि कौन से मजेदार फैक्ट्स हैं जो इंटरनेट और डेटा सेंटर से जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।